Assalamualaikum 5 class, how are you all? Today our topic is more features of Emsworth 2010. Before starting our topic, first subscribe to our channel and click on the bell icon for new videos. Okay, now we have already do reading of this chapter, so we will do practical on computer. So let's start. First, we open the Microsoft Word software. Okay, first click on Start button, all programs, Microsoft Office, and Microsoft Office Word 2007. The Word window will be appear. Okay, यहाँ पे देखें हमारे पास Word की window जो है वो open हो गई है. इसमें हमारे पास सबसे पहले task title bar दी गई है. Title bar पे हमारे पास इसका फाइल का नेम शो हो रहा है, डॉक्यूमेंट 3 के नेम के से, और ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है. टाइटल बार पे हमारे पास नेम के अलावा 3 बटन शो होते हैं, जैसे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज. इसके अलावा हमारे पास टाइटल बार पे क्विक एक्सेस टूल बार दी गई है. उसके बाद हमारे पास रिबन है, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है. रिबन पे हमारे पास डिफरेंट टैब्स और ग्रुप्स होते हैं, जैसा कि होम टैब है, तो होम टैब में हमारे पास क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग ग्रुप दिए गए. उसके बाद यहाँ पे हमारे पास शो हो रहे हैं वर्किंग एरिया दिया गया है. वर्किंग एरिया में क्या करते हैं, हम वर्क करते हैं. ये हमारे रूलर्स हैं जो हमारी मार्जिन को शो करने के लिए यूज़ होते हैं. और यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास वर्टिकली स्क्रॉल बार है. और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लास्ट पे स्टेटस बार दिया गया है. स्टेटस बार में हमारे पास शो होता है कि हमारे पास कितने पेजेस हैं, या जितने हमने वर्ड्स टाइप किए हैं उन वर्ड्स की काउंटिंग शो होती है कि कितने वर्ड्स हमने टाइप किए हैं. और इसके अलावा हमारे पास स्टेटस बार पे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन भी शो हो रहा है. ओके, अब हम इस पर वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं. देखिए हमारे पास यहाँ पर एक लाइन ब्लिंक कर रही है, इसे हम बोलते हैं ब्लिंकिंग लाइन. जब हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारी पोजीशन को इंडिकेट करती है कि हम कहाँ पे टाइप कर रहे हैं वर्किंग एरिया में. ओके, अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे. फॉर एग्जांपल, आफ्टर यू हैव क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट, you are ready to start typing in your text. देखें इसमें जैसे जैसे हम टाइप करते जा रहे हैं हमारा कर्सर जो है वो राइट साइड पे मूव होता जा रहा है. ठीक है, तो जैसे जैसे हम टाइप करते जाएंगे हमारा कर्सर जो है वो नेक्स्ट मूव करता जाएगा. और जैसे ही हम एक लाइन को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएगा. ओके, देखें जैसे ही हम एक लाइन कंप्लीट करते हैं तो हमारे कर्सर जो है ऑटोमेटिकली जो है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव हो गया. और नेक्स्ट लाइन पे टाइप करना स्टार्ट कर दिया. इसी तरह जैसे जैसे हम टाइप करते जाएंगे हमारा कर्सर जो है वो नेक्स्ट मूव होता जाएगा और खुद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा. तो ये जो हमारा एम्स पावर पॉइंट पे हमारा कर्सर जो है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, इसे हम बोलते हैं वर्ड रैपिंग. ओके, अब हम टेक्स्ट को इंसर्ट करने का देख लेते हैं. अगर हमने कोई लाइन इंसर्ट करनी है न्यू से तो वो भी इसमें कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पर अगर कोई और लाइन ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं. जैसे when you wish to start, तो देखें इसमें हमारा जो पहले से टाइप किया हुआ टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन मूव होता जा रहा है और हम न्यू जो है वो टाइप कर रहे हैं. देखें, ठीक है, तो इस तरह जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे जो पहले से आपका टेक्स्ट राइट किया हुआ था वो नेक्स्ट मूव करता जाएगा. ओके, इसमें हमने अगर आपने
खुद से नेक्स्ट लाइन पे जाना है। जैसे हमारी ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और अब हमने अपना जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, तो आप एंटर की की को प्रेस करोगे। तो जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करोगे, कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएगा, उसके बाद आप वहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसी तरह आप डिफरेंट पैराग्राफ्स, जब आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए देन भी आप एंटर की को प्रेस करके नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट लाइन पे मूव कर सकते हैं। और अगर आपने न्यू पेज पे जाना है नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए भी आप एंटर की को ही यूज़ करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज पे जो कर्सर है वो मूव कर जाएगा। ओके, अब हम सीखेंगे कि अगर हमने कीबोर्ड को यूज़ करके अपने वर्ड्स को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। इसके सबसे पहले हम अपने कर्सर को जो वर्ड सेलेक्ट करना है वहाँ पे अपने कर्सर को प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अब हमने यहाँ पे आफ्टर को सेलेक्ट करना है तो उस पर क्लिक करेंगे। कीबोर्ड से आपने शिफ्ट की को प्रेस करना है। शिफ्ट की को प्रेस करके आपने एरो कीज़ को यूज़ करते हुए, अब हम अगर राइट साइड पे कर रहे हैं तो शिफ्ट की को प्रेस करके राइट एरो की को प्रेस करते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप एरो की को प्रेस करते जाओगे वैसे वैसे आपका टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट होता जाएगा। इसी तरह अगर आपने डाउन करना है तो डाउन एरो की कर दें, अप कर देंगे तो अप सेलेक्ट हो जाएगा। लेफ़्ट साइड पे करते जाने डी तो लेफ़्ट साइड पे कर देंगे तो आपके जो सिलेक्शन की हुई थी वो वापस रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो आपने शिफ्ट की को प्रेस के करके एरो कीज़ को यूज़ करेंगे तो आपकी ये सिलेक्शन जो हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपने करंट लाइन के एंड तक करना है तो शिफ्ट की को प्रेस करके एंड की को प्रेस करोगे तो देखिए ऑटोमेटिकली वो आपकी फुल लाइन को एंड तक सेलेक्ट कर देगा। इसी तरह अगर आपने डॉक्यूमेंट के एंड तक करना है, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है, तो आप शिफ्ट की को प्रेस करके कंट्रोल की को प्रेस करके और एंड की को प्रेस करोगे तो आपका एंड तक जितना भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप किया हुआ था वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने फुल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल की प्लस ए वाली की को प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो भी आपका ये सारा टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने माउस के ज़रिए इसको सेलेक्ट करना है तो सिंपल, आपने जहाँ से भी सेलेक्ट करना स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपने माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके अपने माउस को ड्रैग करेंगे जहाँ तक आपने सिलेक्शन करनी है वहाँ तक आप उसको सेलेक्ट करेंगे और लेफ़्ट माउस बटन को छोड़ देंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम सीखेंगे कि अगर हमने कोई पिक्चर ऐड करनी है अपने डॉक्यूमेंट में तो पिक्चर को कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब में यहाँ पे देखें आपके पास पिक्चर का आइकन बना हुआ है, साथ पिक्चर राइट भी किया हुआ है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास सैम्पल पिक्चर आपकी कंप्यूटर की जो गैलरी ओपन हो जाएगी। आपने अगर तो अपने किसी गैलरी से करना है तो वहाँ फोल्डर से करना है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सैम्पल फोल्डर है तो यहाँ से हम जेलीफिश की पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। जो भी पिक्चर आप इंसर्ट करनी है आप उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें इंसर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इंसर्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट में देखें वो जो पिक्चर आपने सिलेक्ट की होगी वही पिक्चर जो है वो ऐड हो जाएगी। ओके, अब हम क्लिक कार्ड इंसर्ट करेंगे। क्लिक कार्ड इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करें। इंसर्ट टैब में आपके पास क्लिप आर्ट का ऑप्शन है, क्लिप आर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो राइट साइड पे आपके पास यहाँ पे क्लिप आर्ट का पैन ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पे सर्च फॉर का ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आप सर्च फॉर के बॉक्स में जो भी आपने चीज़ सर्च करनी है वो टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पे फ्लावर राइट किया हुआ है, हम चेंज करके कर लेते हैं कार। और गो के बटन पे आप क्लिक करोगे तो जैसे ही गो के बटन पे क्लिक करोगे आपके पास इसके डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं वो शो हो जाएंगे। उसमें से जो भी आपने सेलेक्ट करना हो उस पर आप क्लिक करोगे तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके वर्ड की विंडो में वही पिक्चर जो है वो शो हो जाएगी। अब ये आपके पास एरोस, सर्कल्स और स्क्वायर शो हो रहे हैं। जब इस पर आप अपने माउस के कर्सर को लेके जाओगे तो ये आपके डबल हेडेड एरो में चेंज हो जाएगा। तो इससे आप अपने पिक्चर का साइज़ को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई शेप ड्रॉ करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। इंसर्ट टैब पे क्लिक करें। इंसर्ट टैब में आपके पास इलस्ट्रेशन ग्रुप में शेप्स ग्रुप शेप्स का ऑप्शन है, शेप्स के ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें आपके पास डिफरेंट शेप स्टाइल जो हैं वो शो हो रहे हैं। जो भी शेप आपने इनमें से ड्रॉ करनी हो उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम ये स्टार को कर लेते हैं चूज़, इस पर क्लिक करोगे आपका सिलेक्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके अपने माउस को ड्रैग करोगे
और जितना साइज़ आपको रिक्वायर्ड है उस साइज़ के आप स्टार को ड्रॉ करके लेफ़्ट माउस बटन को छोड़ दोगे तो आपका उसी साइज़ में जो स्टार है वो ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद भी आपके पास यहाँ पे ये डॉट सर्कल से शो हो रहे हैं और रेक्टेंगल बॉक्स शो हो रहे हैं, अगर आपने साइज़ को कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। इसके लिए भी आप इस पर कर लेके जाओगे, डबल हेडेड एरो में चेंज हो जाएगा जब कर्सर, तो आप इसके साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। और अगर आपने शेप में कलर फिल करना है तो आपके पास जब आप पिक्चर को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट टैब जो है वो ओपन हो जाएगी। फॉर्मेट टैब में यहाँ पे शेप फिल का ऑप्शन दिया हुआ है, शेप फिल के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे डिफरेंट कलर की आपके पास शो हो जाएगी। इसमें से जो भी कलर आप चूज़ करना चाहें उसको सिलेक्ट करेंगे, जो भी कलर आप सिलेक्ट करोगे आपकी पिक्चर में वही कलर जो है वो फिल हो जाएगा। इसी तरह ये शेप आउटलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपने अपनी शेप की आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो आप आउटलाइन कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर शेप ही चेंज करनी है तो चेंज शेप कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं आपके पास एम्स वर्ड में जो आप यूज़ करके अपनी पिक्चर को या अपनी प्रेजेंटेशन को डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। स्टूडेंट्स नाउ यू विल डू प्रैक्टिकल ऑन योर कंप्यूटर। हैव अ नाइस डे।